Hello everyone, welcome to iExamB where you prepare 50% faster with us. स्टूडेंट्स आज यू ऑल नो की एस बी आई सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और 1400 हंड्रेड वेकेंसी के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जहां पर आप डिफरेंट जोन में अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे जिनको दो साल का एक्सपीरियंस है वेरियस आर आर बी में और वो एस बी आई में शिफ्ट करना चाहते हैं सो दिस अपॉर्चुनिटी इज ए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम जिनको दो साल का एक्सपीरियंस है किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में और वो अपने स्पेसिफिक रीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो का जो टाइटल है वाई शुड यू अप्लाई इस पूरा तरीके से जस्टिफाई करूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा वैकेंसीज़ का ट्रेंड आपको शेयर करूंगा व्हाई दी पोस्ट इज़ कॉल्ड सर्कल बेस्ड ऑफिसर इस चीज़ पे भी डिस्कशन करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या फेसेस हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्या सैलरी रहती है और सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए सरप्राइज़ को मैं पहले ही रिलीज़ कर देता हूं कि स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कंप्लीट 35 डेज का स्टडी प्लान इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैंने हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को मेंशन किया है तो सिलेबस और स्टडी प्लान दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी स्टूडेंट्स आपको पता है कि एस बी आई सी बी ओ इज इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स को सर्च करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आई एग्जाम बी हैज़ लॉन्च एस बी आई सी बी ओ ऑनलाइन कोर्स जिसकी इंट्रो क्लास ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को है और स्टूडेंट्स हम वादा करते हैं कि पूरा जो इसमें सिलेबस है हम वो लाइव क्लासेस और जो आपकी कोर्स वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आपको कवर कराएंगे क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेरेटिव टू अदर बैंकिंग एग्ज़ाम तो आपको एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स की जरूरत पड़ सकती है ऑल्सो हम एक ई e सेमिनार एक फ्री ई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं ऑन संडे 23 अक्टूबर 11 एम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसको आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर मिस अरुणिमा सिन्हा जो एक्स मैनेजर सिड भी रह चुकी हैं और ई एस आई एन जी एक्सपर्ट मिस्टर तुषार शाह इस ई e सेमिनार को कर... करेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको पता है चार दिसंबर को आपका एग्जाम होना है तो बहुत कम टाइम है दिवाली का सीजन भी ऑन है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं ये थ्री स्टेजेस का एग्जाम होता है स्टूडेंट्स जहां पर आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट स्क्रीनिंग और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है तो आपको ये देखना है कि आपके ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जहां पर लेटर एन ए राइटिंग पूछा जाएगा तो यह कुछ इंपॉर्टेंट है है। तो एस्पेक्ट है, हैं अगर तो डिफरेंट सर्कल्स में आप देख सकते हैं जैसे भोपाल भुवनेश्वर हैदराबाद जयपुर कोलकाता महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वैकेंसीज हैं और इनकी जो लैंग्वेजेस हैं आपको पता है लोकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है इनकी लैंग्वेज आप यहां पर देख सकते हैं अगर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो भोपाल और जयपुर आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं जहां पर 175 सेवेंटी फाइव एंड टू वैकेंसीज हैं क्योंकि यहां पर लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तो यहां पर लैंग्वेज भी इन्होंने स्पेसिफाई है उसी के तरीके से अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो भाई आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 2022 है आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेकर 30 साल के आसपास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मिनिमम दो साल का मैक्सिमम आपके पास अगर आपकी एज लिमिट अलाउ कर रही है तो तीन चार साल भी चल सकता है पर मिनिमम दो साल का पोस्ट असेंशियल अकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या आरआरबी में मोस्टली किसी भी बैंक में अगर आप काम करते हो तो ये इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर आप हो ही जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ आपका ऑनलाइन टेस्ट है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बैंकिंग नॉलेज जर्नल अवेयरनेस इकोनमी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमारे इंट्रो क्लास ट्वेंटी अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है जिसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं उसी के बिना पर मैंने एक स्टडी प्लान को क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उस स्टडी प्लान को डाउनलोड कीजिए क्योंकि वो एक 35 फाइव डे स्टडी प्लान है जो आपकी हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपकी लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं होती तो यहाँ पर आपकी जो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगती है वो नहीं है एंड देयर इज नो सेक्शनल क्वालीफाइंग मार्क्स तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए ऑब्जेक्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो 50 मार्क्स का होता है एंड कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू टू कंसीडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छा फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ आपको पता है कि आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 170 मार्क्स का होगा उसके बाद इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का है तो यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो 75 फाइव इस टू तो ट्वेंटी के रेशियो में बनेगी यानी 75 परसेंट आपके ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और 25 परसेंट आपके के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे बेसिक पे यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर रखी है थर्टी सिक्स थाउजेंड है और आपको दो साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंक में करियर पाथ बहुत ही अच्छा है आपको पता है एस बी आई प्रोवाइड्स अच्छा करियर पाथ एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो आप आई एग्जाम बी डॉट कॉम पर जा सकते हैं दो हज़ार बीस का प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपलोड कर रखा है तो आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं फ्री मॉक टेस्ट भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो मॉक टेस्ट हमने फ्रीली अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स यू नो द डी डे इज़ फोर्थ दिसंबर 2022 थाउजेंड एग्ज़ामिनेशन डेट बहुत पास है एंड यू हैव टू प्रिपेयर 50 परसेंट फास्टर अगर आप एस बी में जॉब क्लियर करना है उसी के लिए मैंने आपकी हेल्प एंड कन्वीनियंस के लिए एक 35 फाइव स्टडी प्लान क्रिएट किया है आपको पता है हमारा इंट्रो जो बैच है वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है मैंने सारे सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो बैंकिंग नॉलेज हो जर्नल अवेयरनेस इकोनॉमी हो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है सब चीज़ों को बिल्कुल टिफाई कर दिया है आप लोगों की ईज एंड कन्वीनियंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर इसको डाउनलोड करें और फायदा उठाएं स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर आप स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ई e सेमिनार का पार्ट बन सकते हैं स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी